हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए देखिए बुनाई का ये बहुत प्यारा पैटर्न लेके आई हूँ। रोज स्टिच पैटर्न है ये, विद लीव्स। देखिए इसमें पत्तियाँ भी दिख रही होंगी आपको। बहुत प्यारा सा पैटर्न है, बहुत इजी और बहुत सिंपल सा। अगर आप इसे कार्डिगन में, लेडीज कार्डिगन में यूज करेंगे तो ये बहुत प्यारा लगेगा, या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में। देखिए बैक साइड से ये ऐसा लिखता है, इस तरीके से आता है। और इसमें जो फंदे पड़ते हैं ये 9 के मल्टीपल फंदे पड़ेंगे। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, और एक्स्ट्रा 2 स्टिच आपको लेनी होगी। अब मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताती हूँ, कैसे आप इसे अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। मैंने इसमें 29 स्टिच लिए हैं, यानी कि 29 फंदे। देखिए मैंने किस हिसाब से लिए, मैं आपको बता देती हूँ। 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि 27, और 2 एज इट इज बुनने के लिए एक्स्ट्रा लिए मैंने 2 स्टिच। तो पूरे मिला के 29, यानी कि 29 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 ऐसे लेते हुए और 2 फंदे एक्स्ट्रा लीजिएगा, जितना भी आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है, जो भी प्रोजेक्ट बनाना है। अब देखिए इसे बनाने के लिए पहली सिलाई हमें, फर्स्ट रो जो है कैसे बुननी है। इसमें आपको 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर आप ऊन आगे लेंगे, 1 फंदा उल्टा। उसके बाद आपको ऊन पीछे लेनी है और फिर आपको 8 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा आपने उल्टा लेना है। फिर आपको 8 फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद ऊन आगे लेकर 1 फंदा उल्टा बनाना है, फिर ऊन पीछे लेकर आपके बाद लास्ट के 5 फंदे बचे हैं, उन्हें सीधा बनाना है। शुरू और आखिर के 5 5 फंदे सीधे बन रहे हैं, और बीच में 8 8 फंदे सीधे बन रहे हैं, और बाकी के उल्टे बन रहे हैं। इस तरीके से 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। इस डिजाइन में जब भी आप बैक साइड की रो बनाएंगे तो एक ही मेथड रहेगा उसको बनाने का। बैक साइड की रो है आपकी, इस पे जितनी भी सिलाई आएंगी शुरू से लेकर के एंड तक आपको ऐसे ही बनाना है। देखिए बैक साइड की रो, पहले 5 फंदे आपको उल्टे बनाने हैं। पहला फंदा मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ, उसके बाद के देखिए 4 फंदे और बुन लिए उल्टे। इस तरीके से आपके 5 फंदे उल्टे हो गए। फिर ऊन पीछे लेना है, 1 फंदा सीधा। हर हमेशा इस पैटर्न में जहां तक भी आप ये पैटर्न बुनेंगे, आपकी ये वाली जो उल्टी सिलाई होगी ऐसे ही बनाई जाएगी, जैसे मैं ये आपको बता रही हूं। 5 फंदे उल्टे, 1 सीधा, 8 फंदे उल्टे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेकर 1 फंदा सीधा। उसके बाद फिर से ऊन आगे लेंगे,
आठ फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात और ये वाला देखिए आठ, और फिर ऊन आप पीछे लेंगे, एक फंदा सीधा बनेगा, फिर ऊन आगे लेंगे, पांच फंदे आपके उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार पांच। जब भी बैक साइड की रो आप बुनेंगे यही आप मेथड यूज करेंगे इस पूरे पैटर्न में, पांच फंदे उल्टे एक सीधा, आठ फंदे उल्टे एक सीधा, आठ फंदे उल्टे एक सीधा, फिर पांच फंदे उल्टे। अब मैं आपको फ्रंट साइड की रो पे बताती हूँ इसके आगे आपको क्या करना है। देखिए हमारी ये थर्ड रो है, अब दो सिलाई हमने बुन ली है। इस रो में देखिए आपको कैसे बनाना है, पहले पहला फंदा ऐसे ही उतार लीजिए, उसके बाद देखिए आपको ये जो चार फंदे दिख रहे हैं सीधे कि एक दो तीन चार, चार फंदों में से आपको ये जो ये चारों फंदों को आपको सलाई से बाहर ले लेना है इस तरीके से। अब आपको ये जो तीन फंदे हैं पीछे वाले इन्हें उल्टे हाथ की सलाई में इधर लेना है देखिए, और ये जो एक फंदा है इसे आपको आगे की तरफ लेना है इस तरीके से। अब आपको इस फंदे को पहले बुनना है, जो लास्ट वाला फंदा आगे लिया था इसे आपको पहले बुनना है, पीछे की साइड सलाई को डाल के इस तरीके से सीधा फंदे की तरह एक बुन लीजिए। इसके बाद जो तीन फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन लीजिए, देखिए एक दो और ये देखिए तीन। इसके बाद जो आपका इसके आगे वाला फंदा है उल्टा वाला जो आपको दिख रहा है इसे आप पांच बार बुनिए, पहले सिलाई डालिए एक, फिर देखिए ऊन को ऐसे घुमाना है आपको आगे से, देखिए फिर से बता देती हूँ ऊन को आपको कैसे घुमाना है, आगे से पीछे की साइड इस तरीके से, फिर इसी फंदे को दोबारा बुनना है, पांच बार इस फंदे को बुनना है ऐसे, देखिए तीन बार हो गया ये। अब आप फिर से ऊन घुमाएंगे तो चार हो जाएंगे फंदे, और फिर एक बार और बुनेंगे तो ये फंदे आपके पांच हो जाएंगे। इस तरीके से आपने एक फंदे को पांच बार बुना। अब इस पांचों के पांच फंदों को इस वाली सिलाई में उल्टी वाली सिलाई में लेकर देखिए इस तरीके से लेना है और इसे एक साथ बुन लेना है इस तरीके से, फिर आपको इसे दोबारा बुनना है, फिर इसे उल्टे हाथ की सिलाई में दोबारा लीजिए और इसे पीछे की साइड से बैक साइड से देखिए ऐसे करके दोबारा से बुन लीजिए इस तरीके से, आपका ये फ्लावर बनेगा। अब आपको इसके जो बाद के चार फंदे हैं इन्हें भी सिलाई से बाहर निकालना है। अब आपको देखिए ये जो तीन फंदे हैं पीछे वाले इन्हें अपनी सीधे हाथ की सिलाई में लेना है, और ये आगे वाला एक फंदा जो है देखिए ये वाला इसे आपको अपनी उल्टे हाथ की सिलाई में लेकर पीछे कर देना है देखिए। अब आपको ये सारे फंदे उल्टे हाथ की सिलाई में लेने हैं, चारों के चारों फंदे, एक देखिए ये वाला एंड वाला जो था पहले ले लिया हमने, और ये तीन फंदे भी इधर लेके इन्हें बुनेंगे। अब इन्हें सीधा बुनेंगे चारों फंदों को, पहले पहला फंदा बुन लीजिए, एक दो, तीसरा फंदा बुन लीजिए, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको ये जो फंदा आपने पीछे की तरफ लिया था इसे आपको बुनना है, पीछे की साइड सलाई डाल के इस तरीके से इसे बुनना है। तो
देखिए आपकी इधर एक पत्ती हो गई और इधर भी एक पत्ती हो गई और ये बीच में फ्लावर आ गया। अब इसके बाद आपको ये चार फंदे, ये वाले चार फंदे सीधे बुनने हैं आगे के, एक दो तीन, चार फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लेंगे हम और एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, चार फंदे सीधे। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये इस साइड पड़ेगा दोबारा से, जैसे यहाँ पे आ रहा है देखिए इधर, फिर ये वाली जगह तुमने यहाँ पे छोड़ दी नीचे और ये वाली जगह में फिर से ये पैटर्न पड़ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ दोबारा से, फिर आपको यही रिपीट करना है। चार फंदे हैं हमारे पास, चारों फंदों को हम सिलाई से बाहर निकाल लेंगे। चार फंदे सिलाई से निकालने के बाद हमें देखिए इन तीन फंदों को अपने उल्टे हाथ की सिलाई में लेना है। पहले ये देखिए तीन फंदे हम उल्टे हाथ की सिलाई में ले लेंगे, आगे का फंदा छोड़ देंगे ऐसे ही, और ये जो आगे वाला फंदा है देखिए इसे हम इस साइड ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को यहाँ आगे ले लिया। अब इसे बैक साइड से बुनेंगे, देखिए इस तरफ से इसे सीधा बुनेंगे ऐसे, उसके बाद के तीन फंदे हम फिर से बुनेंगे, एक सीधा ही तीन फंदे बुनेंगे, फिर ये जो बीच का फंदा आपको उल्टा दिख रहा है इसमें फ्लावर बनेगा, पहले हम इसे पांच बार बुनना है। देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे, एक बार बुनेंगे, थोड़ा लूज लूज बुनिएगा इसे, एक, फिर ऊन को घुमाएंगे, फिर दूसरी बार इस पर सिलाई डाल के फिर दोबारा बुनेंगे, तीन फंदे मिल गए हमें, फिर इसमें सिलाई को देखिए फिर से घुमाएंगे और चार बार इसे देखिए ऐसे करके हमने बुना, तो ये हमारा तीन बार बुनने से पांच फंदे मिल गए। अब ये पांच फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई में एक साथ लेंगे, अपनी उल्टे हाथ की सिलाई को देखिए ऐसे डालेंगे इसमें पांच फंदों में एक साथ, ऐसे डालने के बाद इसे सीधा बुनेंगे इस तरीके से, और फिर इस फंदे को दोबारा बुनेंगे उल्टे हाथ की सिलाई में लेकर पीछे की साइड से इसे दोबारा बुनेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से फ्लावर बनेगा। अब यहाँ पे एक और पत्ती आपको जैसे यहाँ बनाई थी वैसी बनानी है, उसके लिए आपको ये चारों फंदे फिर से निकालने हैं सिलाई में से इस तरीके से, और देखिए ये तीन फंदे सीधे हाथ की सिलाई में लेने हैं ऐसे लेने हैं, और ये वाला फंदा इधर से उठा लेना है, ये जो पहला वाला फंदा था आपका ये उल्टे हाथ की सिलाई में ले लेंगे इधर, और फिर इन तीन फंदों को भी उल्टे हाथ की सिलाई में वापस ले लेंगे, एक दो और ये तीन, और इन सबको फिर हम चारों को बुन लेंगे सीधा, एक अभी से बुनेंगे, दो, फिर इसके आगे वाले फंदे को बुनेंगे, तीन, और ये जो पत्ते वाला फंदा है इसे हम बैक साइड से बुनेंगे देखिए ऐसे इस तरीके से, और लास्ट का एक फंदा फिर हमारा सीधा होगा, उसे एज इट इज ऐसे ही बुन लेंगे। अब हमारी बैक साइड की रो जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बताई थी वैसे ही बनेगी, चार फंदे उल्टे, नहीं पांच फंदे उल्टे एक सीधा, आठ फंदे उल्टे एक सीधा, आठ फंदे उल्टे एक सीधा, फिर पांच फंदे लास्ट के उल्टे, उल्टे साइड की रो बनाइए, फिर मैं आपको इसके बाद की बताऊंगी कैसे इसमें आगे होना है। देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी बैक साइड की रो कंप्लीट कर ली, अभी हमारी पांचवी नंबर की याली सिलाई है। अब इसमें देखिए हमें कैसे बनाना है, अब हमारी ये दूसरी वाली लीफ बनेगी, पहले हमने एक लीफ ये वाली बनाई थी नीचे वाली, अभी देखिए हमारी दूसरे नंबर की लीफ बनेगी, कैसे बनेगी देखिए मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा आप ऐसे ही उतार लीजिए, उसके बाद देखिए अब आपके यहाँ पे आपको एक फंदा और बुनना है, दो फंदे
आपके हो गए। अब आपको इसके बाद तीन फंदे हमारे बचे हैं सीधे, 1 2 3। अब इस तीन फंदों को आपको सलाई से बाहर वैसे ही निकालना है जैसे पहले निकाला था। अब ये आपको उल्टे हाथ की सलाई में दो फंदे लेने हैं पीछे वाले, ये वाले देखिए, और ये जो आगे का फंदा ये वाला है इसको इस साइड ले लेंगे। इस वाले फंदे को आप इधर ले लेंगे फ्रंट में। अब इसे पीछे की साइड से बुनेंगे। कैसे? अब दो फंदे फिर सीधे बुनेंगे, 1 और 1 2। अब इसके बाद ऊन आगे लेंगे और ये वाला फंदा आपका उल्टा बुना जाएगा जिसमें फ्लावर बना था। अब आपको फिर ऊन पीछे लेना है और ये तीन फंदे फिर निकालने हैं सिलाई में से। दो फंदे इधर लेने हैं राइट हैंड में और ये आगे वाला फंदा जो है ये आगे आएगा, ये वाला फंदा आगे आएगा इस तरीके से। अब इन सब फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई में लेके सीधा बुन लीजिए, पहले ये वाला, फिर इसके बाद वाला, और फिर जो ये पत्ता बनेगा ये वाला, ये वाला फंदा भी आपका बैक साइड से बुना जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसे बैक साइड से लेके और सीधा बुन लीजिए। तो देखिए हमारे इस तरीके से दूसरी पत्ती ये आ गई है। अब हमें इसके बाद के एक फंदा देखिए ये वाला और चार फंदे और सीधे बुनने हैं, 5 फंदे हो गए सीधे इसके बाद के, 2 3 4 5 फंदे सीधे। फिर ऊन आगे लेंगे हम ये वाला और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन हम पीछे लेंगे, 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब आपको ये तीन फंदों में फिर से रिपीट करना है। तीन फंदे बाहर निकालेंगे सिलाई से, दो फंदों को उल्टे हाथ वाली सिलाई में लेंगे पहले देखिए, और इस एक फंदे को आगे लेंगे, पहले इसे बुनेंगे बैक साइड से ऐसे, फिर इन दो फंदों को भी बुनेंगे सीधा ही, 1 3 फंदे ये वाले सीधे हो गए। अब एक फंदा उल्टा होगा, फिर से पत्ती बनेगी यही वाली, 3 फंदे निकालिए। अब आपको ये वाले दो फंदे पीछे लेने हैं, एक आगे लेना है तो इधर ले लिया, और ये वाले फंदे को आपको आगे लेना है इधर। इसको देखिए ऐसे पलट के लीजिएगा ताकि सीधी पत्ती आए आपकी, इस तरीके से लीजिएगा। अब ये दो फंदे भी इधर लेके इन्हें सीधा बुन लीजिए, 1 2। अब ये वाला फंदा बैक साइड से ऐसे बुना जाएगा देखिए ऐसे, इस तरीके से। अब हमारे लास्ट के दो फंदे आपके सीधे होंगे, 1 2। बैक साइड की रो आपको वैसे ही बनानी है, 5 फंदे उल्टे एक सीधा, 8 फंदे उल्टे एक सीधा, फिर 8 फंदे उल्टे एक सीधा, फिर 5 फंदे उल्टे। बैक साइड की रो कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद की सिलाई मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी बैक साइड की रो कंप्लीट करके हमने अब फ्रंट साइड की रो है, अभी हमारी 7वें नंबर की रो है यानी कि 7th रो। अब इसमें देखिए एक पत्ता और बनेगा आपका, जो ये देखिए ऊपर से दिख रहा है ये वाला, ये दो तो बन चुके हैं, अब ये वाला पत्ता बनेगा। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है आपको इसके। अब आप पहला फंदा ऐसे उतार लीजिए, दो फंदे सीधे बुन लीजिए, करेक्ट। इसके बाद ये दो फंदे आपको सिलाई पे से निकालने हैं, पीछे वाला फंदा इधर लेना है और ये वाला फंदा देखिए आगे लेना है ऐसे, और इसे बैक साइड से बुनिए सीधा, और इसे भी बुन लीजिए। फिर एक फंदा उल्टा आएगा आपका, फिर आपके देखिए फिर से दो फंदे आप निकालेंगे सिलाई में से, ये वाले फंदे को आगे लेना है, इसको पीछे,
इसको इधर लेना है इस तरीके से, और इस वाले फंदे को भी इधर लेके हम बुन लेंगे सीधा। अब ये वाला भी सीधा, ये वाला फंदा देखिए ऐसे पलट के बुनिएगा ताकि सीधा पत्ता आए ऐसे करके। अभी आपको बैक साइड से बुनना है। अब आपके इसके बाद के देखिए, छह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर आपको ऊन आगे लेना है और ये एक फंदा जो है आपका याला उल्टा बुनेगा, फिर आपको फिर से छह फंदे सीधे बुनने होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब आपको दो फंदों में से फिर से ही पत्ता बनाना है, दो फंदों को बाहर ऐसे लेके फिर ऊन आगे लेके एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे आपको फिर निकालना है सलाई पे से, इसे देखिए पीछे करना है, इस वाले को इस पे लेना है देखिए, और इस वाले को आगे करना है, फिर दोनों फंदों को इस सलाई पे लेके पहले ऊन पीछे कर लीजिएगा ऐसे, और इस फंदे को बैक साइड से देखिए ऐसे बुनेंगे इस तरीके से। अभी आपके तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे, एक दो। अब आपकी बैक साइड की रो है वैसे ही बुन लीजिए जैसे मैंने आपको बताई है शुरू की सारी रो, पांच उल्टे एक सीधा, आठ उल्टे एक सीधा, आठ उल्टे एक सीधा। फिर देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न एक बार कंप्लीट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब इसके बाद ये पैटर्न जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ेगा, अब ये आगे यहाँ पे बीच में पड़ेगा, जो ये बीच के फंदे आपने बनाए हैं यहाँ पे ये फ्लावर बनेगा, और इधर उधर जो है ये प्लेन आएगा, ये इस साइड और इस साइड। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसके आगे कैसे बुनना है। आपकी आठ सिलाई कंप्लीट हो गई है, नवे नंबर की रो है, नाइन्थ रो। अब आपको देखिए पहला फंदा तो आप ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने, उसके बाद के आपको चार फंदे सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार, फिर ऊन आगे लेकर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे लेंगे, फिर देखिए एक दो, देखिए अब देखिए चार फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे ये वाली लीफ अब फिर से यहाँ पे डिजाइन पड़ेगा, तो ये चार फंदे हमें सलाई से बाहर निकाल लेने हैं, तीन फंदों को हमने उल्टे हाथ की सलाई में लेना है, और ये वाला जो फंदा है इसे आगे ले लेना है, ये फंदा बैक से बुना जाएगा। इसके बाद के तीन फंदे भी सीधे बुने जाएंगे। अब इसके बाद देखिए बीच में जो फंदा है आपका इस पे फ्लावर बनेगा, देखिए इसको पांच बार बुन लीजिए, एक लूज लूज बुनिएगा इसे, एक फिर उनको ऐसे घुमाएंगे देखिए आगे से पीछे, फिर दोबारा इसे बुनेंगे, दो फिर उनको ऐसे ही घुमाएंगे, फिर इसे एक बार और बुनेंगे, तो ये पांच बार हमारा बुन गया। अब इस पांच फंदों को उल्टे हाथ की सिलाई में ऐसे डालेंगे, देखिए उल्टे हाथ की सिलाई को सिर्फ डालेंगे इस पे और इसे इस तरीके से बुनेंगे, देखिए जैसे सीधा फंदा बुनते हैं ऐसे इसे बुनेंगे, और फिर इसे दोबारा बुनेंगे, फिर उल्टे हाथ की सिलाई में इस फंदे को लेकर फिर इसे बैक साइड से फिर से बुनेंगे दोबारा से, तो ऐसे हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। अब फिर से हमें ये चार फंदे हैं इन्हें सलाई से निकालना है, ये वाले फंदों को इधर की सिलाई में लेना है, तीन फंदों को, और ये वाला फंदा जो है ये आगे जाएगा, ये वाला फंदा इधर आएगा, और ये तीन फंदे फिर से इधर लेकर
सीधे वाले उल्टे हाथ की सिलाई पे लेकर फिर बुनेंगे आएंगे सारे फंदे सीधे, एक दो तीन, और देखिए ये वाला फंदा जो है ये आपका ऐसे करके पीछे की साइड सिलाई डाल के ऐसे बुना जाएगा इस तरीके से। अभी पैटर्न दोबारा पड़ रहा है। अब ये देखिए यहाँ वाले फंदे आपके चार फंदे सीधे बुने जाएंगे इसके आगे के, एक दो तीन चार, फिर ऊन आगे लेंगे एक फंदा फिर उल्टा बुना जाएगा, फिर ऊन पीछे लेकर पांच फंदे सीधे बुने जाएंगे, एक दो तीन चार पांच। बैक साइड की रो आप ऐसे ही बुनिए जैसे शुरू से आप बुनते चले आ रहे हैं, फिर बताती हूँ फ्रंट साइड की रो में। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारी 11th रो है इस पैटर्न की, पांच फंदे सीधे बुन लीजिए, दो तीन चार पांच फंदे सीधे, ऊन आगे लेकर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे लेंगे फिर देखिए एक दो तीन चार, और ये वाला फंदा भी बुना जाएगा पांच फंदे सीधे। अब यहाँ पे लीफ पड़ेगी, ये तीन फंदों को सिलाई से निकालेंगे, दो फंदों को इधर लेंगे और ये फंदा आगे आएगा, और ये इस तरीके से बैक साइड से बुना जाएगा, फिर दो फंदे सीधे, फिर ऊन आगे लेंगे एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेंगे तीन फंदे सिलाई से निकालेंगे, अभी दो फंदे इधर लेंगे और एक फंदा आगे आएगा ये वाला, फिर इन सारे फंदों को बुन लेंगे सीधा, एक दो और ये तीन। अब ये फिर से पांच फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे लेकर पांच फंदे सीधे, और बैक साइड की रो वैसे ही बनाइए जैसे आप बना रहे हैं शुरू से। फ्रेंड्स अब ये हमारी 13th रो है, 13 नंबर की सिलाई है, इसे देखिए कैसे बनाएंगे आप। पहला फंदा ऐसे उतार के चार फंदे सीधे बुन लीजिए, ऊन आगे लेकर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे लेंगे छह फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह फंदे सीधे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दो फंदे रह गए, इस पे लीफ बनेगी अब एक और, दोनों फंदे निकाल लीजिए, ये इधर ले लेंगे और ये वाला फंदा इधर ले लेंगे, इसे बैक साइड से बुनेंगे ऐसे, और फिर इसे बुनेंगे ऐसे, फिर ऊन आगे लेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे दो फंदों में फिर से लीफ बनेगी, ये वाला फंदा देखिए इधर लिया जाएगा और ये वाला फंदा जो है ये आगे लिया जाएगा इस तरीके से। अब ये वाला फंदा आप सीधा बुन लेंगे और ये वाला फंदा जो है आप इसको बैक साइड से बुनेंगे, देखिए इस तरीके से सीधा। अब इसके बाद के आपको छह फंदे फिर सीधे बुनने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, फिर ऊन आगे लेंगे एक फंदा उल्टा बनेगा, फिर ये पांच फंदे आपके सीधे बनेंगे, बैक साइड की रो आप वैसे ही बुनेंगे जैसे मैंने बताई है, बैक साइड की रो बुन लीजिए तो ये पैटर्न आपका 2 बार कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पैटर्न हम मैंने दो बार बना के आपको बता दिया है। अब तीसरी बार जब ये पैटर्न आप बनाएंगे तो ये वाला जो है ये यहाँ पे फ्लावर बनेगा, ये वाला फ्लावर, और ये वाली साइड जो है ये प्लेन आएगी और एक फ्लावर इस साइड बनेगा। देखिए इस तरीके से पहले मैंने यहाँ पे दो बना के बताए, अब फिर से यही रिपीट होंगे, जो ये वाले फर्स्ट वाले फ्लावर थे यही रिपीट होंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो, सारे अच्छी प्रिंटिंग आइडियाज सब आपको मिले, और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।